हेलो गाइस, तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ नया वीडियो जिसमें कि अपना जो नया मैप आया हुआ है कैराकेन मैप, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आप आपकी इस कैराकेन मैप में रैंक पुश इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी लूट कर लूँ, जैसे कि इसमें एक बॉम्ब है जिसका नाम है स्टिकी बॉम्ब। स्टिकी बॉम्ब क्या है? चिपकू बॉम्ब है। चिपकू जो दीवारों चिपक के और धमाका करता है। ठीक है, तो मैं आपको एक इसका डेमो दिखा देता हूँ। देखो, इस तरह से ये दीवार पे आप उनको फेंक देना है। उसके बाद क्या होगा, जब 5 सेकंड लेगा, 5 सेकंड के बाद ये कर देगा धमाका। ठीक है, इसी से अपन जो अंडरग्राउंड टनल होंगी इस मैप में उनको अपन खोल सकते हैं। इसके अलावा इस मैप में कोई ग्रेनेड वगैरह नहीं मिलेगा गाइस। ठीक है, तो बी रेडी फॉर इट। जितने भी बम आपको मिलें सारे के सारे आपको कट करके रख लेना है। तो सेकंड आता है, ये आपको बिल्कुल मिडिल में मिल जाएगा, ये बिल्कुल मिडिल में, ये मिडिल मैप में मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको ये दीवार रहेगी, इस दीवार पे आपको क्या करना है, किल बम फेंक देना। ये आप देख सकते हैं, ये मैं लोकेशन मार्क कर रहा हूँ। इस दीवार पे आपको आपका नेट फेंक देना है। ठीक है, मेरे फ्रंट पर नहीं था, मेरे पे ही था, तो मैंने इसको फेंक दिया। द्वार खोल देगा, नए द्वार आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके नए द्वार ओपन होगा। अब आपको कहना है इस द्वार के अंदर जाना है। ठीक है, ये गहरी खदानें मिल जाएंगी, इस खदान में आपको घूमना है। इन खदानों में भाई लूट एक नंबर होती है, बिल्कुल ज़बरदस्त। आपको एम्पर टेम्प बोर्ड सारी गने मिल जाएंगी, एक नंबर, बिल्कुल टॉप एंड टाउन। अगर आपकी जोन बनता है और अगर आप इसके अंदर बचे हो लास्ट में, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसमें बाहर निकलने के लिए भी अलग अलग रास्ते हैं। तो ठीक, ये एक रास्ता ये है, आप देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ इस रास्ते पे। ये रास्ता सेम उसी तरह का है जो अपन ने अभी खोला हुआ था, वो अगर अपन इसको भी खोलेंगे तो ये भी उस तरीके ही निकलेगा। ठीक है, तो मैं आपको दूसरा रास्ता दिखा देता हूँ। इसे भी आप बम लगा के फोड़ सकते हैं। ठीक है, ये भी अदर जगह ओपन होगा। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा बता सकता हूँ, जो अपने डोम होते हैं, जो आपने देखा होगा झोपड़िया तरह की। ठीक है, झोपड़िया, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमको एक पेंजर फ्यूज़ मिला हुआ था। ठीक है, जो कि आपको पेलोड में आपने बहुत चलाए होंगे, ये रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, ठीक है, इसको अपन को चलाना है, पेंजर फ्यूज़ को। ये भी इस एम बोम की तरह काम करेगा, ये 1 राउंड होता है, 1 राउंड में ख़त्म। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ करके बता देता हूँ, जैसे कि इसमें भी अंदर तरह तरह की जगह है, तो अपन क्या करना है, सबसे पहले उसको उड़ा देना। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये दीवार है, इसको भी आप उड़ा सकते हो। मैं ये बम उठा लेता हूँ। ठीक है, बम उठाने के बाद, क्योंकि मेरा अभी दोस्त गायब हो चुका है, मेरे पास अभी कोई बंदे थे नहीं, इसलिए जिसके साथ मैं मिलके वीडियो बना सकूँ, बस मेरा भाई था। तो हम बम भी बन खेल के बड़ी मुश्किल से ऑल पे बात करते हुए ऐसे बनाया हुआ है हमने ये वीडियो। तो मैंने ग्रेनेड इसलिए किया था जिससे वो धमाका सुन के बाद आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो आ गया है। अब मैं उसको अपने साथ लेके जा सकता हूँ, नहीं तो वो अलग भागेगा, मैं अलग भागूँगा। तो इस तरीके से मैंने आपको दो रास्ते बताए, अब ये तीसरा रास्ता चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ लूट बहुत अच्छी मिलती है, एकदम टॉप एंड टाउन, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने आ गए वो झोंपड़ पट्टी, आपको पता ही होगा वो झोंपड़ पट्टी सी। ठीक है, ये इस तरह से अंदर से देखने पर ऐसा रहेगा बंद। ठीक है, वो बाहर से अपन, मैं बताऊंगा आगे आप बाहर से उसको ओपन कैसे कर सकते हो। और ये कुछ ही होते हैं जो ओपन हो सकते हैं, ये गन वगैरह से ओपन नहीं होते। तो इसको अपन क्या करना है, अपने चिपकू बम को फेंक देना, चिपक के इसको धमाका गेट खोल देगा, अपने द्वार खुल जाएंगे। जैसे ही अपने द्वार खुलते हैं, अपन जैसे बाहर आएंगे, देखो बिल्कुल भरपूर आपको लूट तो यहाँ पर खूब भर भर के मिलेगी। और गए तो मैं आपको बताता हूँ आगे कि आप इनमें कैसे जा सकते हैं। अब मैं आपको इसमें एक दीवार का ग्लिच बताता हूँ, यहाँ पे एक वॉल ग्लिच भी बहुत पावरफुल। भाई दीवार ही फूट जाती है पूरी पूरी, गन से अभी तक तो अपन बम से फोड़ रहे थे, अब गन से ही फूट जाएगी। ठीक है, तो मेरा भाई अभी भटक गया है रास्ता, तो मैं उसको लेके आ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई है नहीं, मेरे फ्रेंड वगैरह जिनके साथ मैं बना सकूं वीडियो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सब्सक्राइब करो जिससे मैं आपके साथ मिलके वीडियो बना सकूं, क्योंकि मेरे को अभी मिलता नहीं है कोई भी। ठीक है, तो मेरे को ये मिल गया था, ये फ्री था, तो इसके साथ मैंने और इसने मिला के
वीडियो बनाए, तो आप ये दीवार देख सकते हैं। ये दीवार के आर पार क्या पूरी दीवार ही उड़ जाती है, पूरी गन से छिद्दे हो जाएंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये इसके खोपड़ी हेड़े थे थोड़ा, नहीं अब लग गया तो अब लग रहा हूँ। ये देखो भाई ये छेद हो गए, अच्छा तो दिवाली बेकार थी। दिवाली खत्म कर दे, अपन चलता है नेक्स्ट। जो जोन है अपने यहाँ पे, जो जोन बनेगा उसके रिलेटेड बात करना। जोन की खासियत मैं बता दूँ आपको, ये यहाँ पे जैसे अपने रंगल में तो रेड जोन बनता था, और यहाँ तो ब्लैक जोन बनेगा। ठीक है, ये ब्लैक जोन ऐसा रहेगा जहाँ पे ये जितने भी घरों के ऊपर बनेगा वो उन सबको फोड़ देगा, ऐसा कोई घर नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर नोक होने का कोई चांस नहीं है, जैसे ही अगर आप उस घर में रहे तो वो फूट जाएंगे। तो इससे बचने का बस एक ही तरीका है, वो झोपड़ पट्टी। अगर आप उन झोपड़ पट्टी में रहे इस दौरान तो आप बहुत सुरक्षित हैं, आप जिंदा रह सकते हैं, आपको जीवनदान मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से झोपड़ पट्टी मेरे को मिल गई है, तो मैं बताता हूँ आप कैसे देखें। तो देखो भाई, जो नोट एक्टिव है उस पर झंडा नहीं है, जो एक्टिव है उस पर झंडा है, मतलब जो भी चालू होगा ना मार्क्ड लोकेशन पर एक झंडा लगा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं एक झंडा, मैं अभी आपको बताता हूँ। इस तरह का एक झंडा रहता है, मार्क्ड लोकेशन चालू होते हैं बस उन्हीं पे होता है, ये चालू नहीं है तो इस पे नहीं है। ठीक है भाई, देख लो आप एक बार हो। ठीक है, तो ये हम अंदर आ चुके हैं, उसमें भी इस तरह का एकदम टोपन टाउन कलेक्शन है, बिल्कुल एकदम फाड़ू। ठीक है, इस तरह से आपको अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और आपको इसमें भी लूट बहुत अच्छी मिलेगी। जैसे अभी अपन पहले मैंने बताया था कि उस तरह से मैं निकला था, पहले नीचे झोंपड़ी में से निकला था, ऐसे ही आगे चल के इसमें ही मैं उसी तरह इधर उधर से निकलूँगा। इसमें बहुत रास्ते होते हैं इधर से उधर, आप अंदर ही अंदर बहुत सफ़र कर सकते हैं। अभी मैं जोन के बाहर था, मैं जोन के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, इसका ये बोल आ गई है, फिर से आप इसको फोड़ देते हैं, मैं फोड़ के बता देता हूँ। ये बस सिंगल राउंड भाई, ये ख़त्म हो जाता है, इसके बाद बस एक राउंड चलता है। ठीक है, तो मैं आपको और अंदर जाके बताऊंगा, क्योंकि ये तो अब मैं बाहर आ चुका हूँ। अब मैं इसका, क्योंकि तीन रास्ते होते हैं, ओपन चलते हैं इसका सेकंड रास्ता भी में। जो अपन थर्ड दूर तक छोड़ दिया, तो अपन बात करते हैं तीसरे की। ठीक है, अपन चलते हैं तीसरा ढूंढने, वो भी यहीं आसपास कहीं पे होगा, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बस भूल भुलैया सी है भाई ये अंडरग्राउंड माइनिंग, इतनी माइनिंग कर दी है कुछ पूछो ही मत ही बंदों ने यहाँ पे। और बाहर मेरा भाई धड़ल्ला कर रहा है, M249 पता नहीं कौन सी गन से वो तो अब चला रहा है। मैं थोड़ी सी गन ले लेता हूँ, पता है मेरे को वो मेरी बजाएगा ज़रूर। ये भाई मैं थोड़ी गन ले लेता हूँ, M24 भी ले लेता हूँ, अगर वो खो गया गलती से तो मैं क्या करूँगा, मैं भी M24 चला दूँगा, क्योंकि इसका साउंड अच्छा होता है, वो दूर से ही पहचान जाएगा मैं यहाँ हूँ। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक करना ना भूलें, और अपने जो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो रहे तो उनमें आपके दोस्त मेरे साथ मिलकर वीडियो बना सकें। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।